Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामना है। आशा है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। भारत की सैन्य ताकत को और भी मजबूत बनाने वाला लड़ाकू विमान एयरफोर्स का गेम चेंजर राफेल अंबाला में लैंड हो गई है। इस बात की जानकारी स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी है। इसके अलावा उन्होंने वायुसेना को बधाई दी है कि इस लड़ाकू विमान के आने से वायुसेना का मजबूती मिलेगा और भारत की सरजमीन पर उतरते ही पानी की फुहारों के साथ इनका स्वागत हुआ। 5 राफेल विमानों के साथ ही सुखोई 30 विमान भी मौजूद थे। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही सुखोई 30 विमान उनके पीछे ही मौजूद रहे। फ्रांस से करीब 7000 किमी की यात्रा पूरी कर 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे हैं। इस खास मौके पर वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। सुबह करीब 11:15 पर इन विमानों ने UAE के अल दरफा एयरवेज से उड़ान भरी थी। इसके बाद ये मुंबई एयरवेज के रास्ते अंबाला पहुँचे हैं। अंबाला में कड़ी सुरक्षा के बीच इन विमानों की लैंडिंग कराई गई। दसाल्ट राफेल फाइटर जेट दुनिया की बेहतरीन लड़ाकू विमानों से एक है। राफेल अपने साथ काफी मिसाइल की कैरी कर उड़ान भर सकता है। राफेल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी ये दुश्मन की रडार को चकमा देने की ताकत रखता है। साथ ही इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो हिमालय के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। बता दें कि हिमालय के ऊपर उड़ान भरने के काबिलियत अच्छे अच्छे लड़ाकू विमानों में नहीं होते हैं। जिन दो देशों पाकिस्तान और चीन से भारत की हमेशा तनातनी रहती है, उसके पास भी ये विमान नहीं है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस विमान की देश के लिए कितना खास होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक डसाल्ट राफेल चीन की चेंगदू G20 फाइटर जेट से कई मामले उम्दा है। राफेल में 2 सिग्मा M88 इंजन है, वही चेंगदू G20 में सेनांग WS-10V इंजन लगा है। इसके साथ ही राफेल 4.5 जनरेशन का टॉबिन इंजन कनाडा डेल्टा विग मल्टी रोल फाइटर है, जबकि J20 सिंगल सीट है। टॉबिन जेट हर मौसम में उड़ने वाला स्टेल्थ 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी हिलाल अहमद राठौर का नाम इस वक्त कश्मीर में सभी के जुबान पर है। दरअसल एयर कमांडर हिलाल ही भारतीय सेना के पहले पायलट है जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी थी। सोमवार को फ्रांस से उड़ाने भरने वाली राफेल की पहली खेप को हिलाल ने ही विदा किया था। इसके अलावा वो राफेल विमान की विपणनाइजेशन से भी जुड़े रहे हैं। हिलाल वर्तमान में फ्रांस में भारतीय एयरफोर्स के संबद्ध अधिकारी है, जो अनंतनाग के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल्ला राठौर जम्मू कश्मीर पुलिस से डिप्टी SP थी। हिलाल की 3 बहनें हैं, वो अपने माता पिता के एकलते बेटे हैं। हिलाल ने जम्मू की नगरोटा सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। हिलाल 17 दिसंबर 1988 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन हुए थे। वो 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने और साल 2004 में ग्रुप कमांडर, 2016 में उन्हें ग्रुप कप्तान बनाया गया और 2019 में भी एयर कमांडर के पद पर पहुंचे। हिलाल अहमद ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अमेरिका की एयरवेस कॉलेज से भी स्नातक किया है। हिलाल को वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। मिराज 2000, MiG-21 और किरण एयरक्राफ्ट पर उड़ान के दौरान हिलाल ने अब तक तकरीबन 3000 घंटे गुजारे हैं। अब राफेल विमान के साथ हिलाल का नाम ऐतिहासिक तौर पर जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम एयरफोर्स अधिकारी को राफेल की पहली कमान देने के पीछे सरकार का बड़ा संदेशा है। ये संदेशा कश्मीर पर भटके हुए नौजवानों के लिए है, जो अपने ही सेना के दुश्मन बने हुए हैं। एक तरह हिलाल जैसे अधिकारी है जिन्हें सेना ने सिर माथे पर बैठाया, दूसरी तरफ ऐसे कश्मीरी युवा है जो सेना की गालियों की शिकार हो रही है। राफेल विमानों में 3 एक सीट वाले और 2 विमान 2 सीट वाले हैं। इन विमानों को भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरिजो के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन विमानों का औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त के आसपास समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश की शीर्ष सेना अधिकारियों शामिल होने की उम्मीद है। वही अगली खबर, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। भूमि पूजन के लिए पवित्र नदियों और पवित्र तीर्थ स्थलों की जल लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। PM मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाकर
भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी उसी दिन राम जन्मभूमि परिसर में एक शिखर और 5 मंडप के साथ 3 मंजिला मंदिर का मॉडल देखेंगे और साथ ही साथ इस मॉडल को आम लोगों के लिए रखा जाएगा। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी चांदी के ईंट के साथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये चांदी के ईंट अयोध्या पहुंच गई है। ये शुद्ध चांदी 22.6 किलोग्राम ईंट है। इस बीच खबर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक कैप्सूल रखा जाएगा। इस पर राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने भी इस तरह की किसी भी खबर पर विश्वास न करने की अपील की। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को कहा, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरह से कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसे ही आप सही मानो। दरअसल मंदिर निर्माण के दौरान उसमें एक टाइम कैप्सूल डाले जाने की जानकारी सामने आ रही थी ताकि भविष्य में मंदिर में जुड़े तथ्यों की लेकर कोई विवाद ना रहे। इस कैप्सूल में मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी होने की बात कही गई थी। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने 5 अगस्त के अयोध्या और राज्यों पर में भी दीपावली जैसे समारोह की योजना बनाई है। विश्व हिंदू परिषद ने सूर्यास्त के बाद घरों, मोहल्ले, गांव, बाजार, मठ, मंदिरों और आश्रमों को दीपों से सजाने की अपील की है। अयोध्या में संतों ने स्थानीय लोगों को इस दिन दीपावली मनाकर भूमि पूजन करने का आह्वान किया है। राम मंदिर के स्थापना दिवस और भूमि पूजन के लिए बीहिप ने 9 अगस्त से राज्य भर में 8 दिवसीय समारोह की योजना बनाई है। तो इससे पहले यूपी की सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि इस अयोध्या के भारत और विश्व का गौरव बनाएंगे। स्वच्छता पहले शर्त होना चाहिए। अयोध्या के लिए आत्म अनुशासन के माध्यम से अपनी क्षमता को साबित करने का अवसर है और जिस तरह से दुनिया इसे देखने की उम्मीद करती है, 4 और 5 अगस्त की रात को ही सभी घरों और मंदिरों में दीपोत्सव होगा। दीपावली अयोध्या से जुड़ी है और अयोध्या के बिना तैयार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रामलला को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि 5 अगस्त के दिन बुधवार है और इस दिन का रंग हरा माना जाता है। इसी बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ से मिट्टी और अलकानंद नदी से जल राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए अयोध्या भेजा जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार की ही मिट्टी और जल के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की सरकारी चैनल दूरदर्शन पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 मेहनती की लिस्ट जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला 200 मेहनती का लिस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। कोरोना वायरस के कारण सूची में शामिल लोगों के 50-60 के 4 भागों में बांटा जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ चालक मोहन भगवत के साथ 50 साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में आने वाले में उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के नाम भी शामिल है। नेताओं की सूची में जिनका नाम है वो है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह। साध्वी रितंभरा और विनय कटियार व अन्य नेता शामिल होंगे। अयोध्या में भगवान राम के भूमि पूजन के दिन एक मुस्लिम परिवार अपने घर पर दीपक जलाएंगे। इसके लिए वो मुस्लिम परिवार बत्ती बना रही है, साथ ही दिया भी सजा रहे हैं। राम मंदिर समर्थक अनीस खान उर्फ बबलू अभी से भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी में जुट गए हैं और उनका कहना है कि वो 501 दीपक भगवान राम के आधारशिला रखे जाने की उपलब्ध में जलाएंगे। इस राम भक्त ने पूरे देश की मुस्लिम समाज से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर दीपक जलाए और दीपावली मनाइए। राम मंदिर समर्थक अनीस खान उर्फ बबलू ने कहा कि विगत कई वर्षों से हमने राम मंदिर निर्माण मुहिम चला रखी थी और हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है। बबलू खान ने कहा कि राम लला केवल हिंदू समाज के ही नहीं
वो जितने हिंदू के हैं उतने ही उतने से ज्यादा मुसलमान की। हमारे पैगंबरों में से एक पैगंबर भगवान राम भी है। इसी बीच लोकप्रिय कथा वाचक मुरारी बापू ने राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपये की दान करने का ऐलान किया है। भावनगर के तलगाजरडा में राम कथा सुनाने वाले मुरारी बापू ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए 5 करोड़ रुपये यहाँ से भेजे जाएंगे, जो प्रभु श्री राम के चरणों में एक तुलसी पत्र के रूप में भेंट होगी। और उसके बाद हमारे आश्रम चित्रकूट धाम तलगाजरडा की तरफ से भी मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निकट ही सिख गुरुओं की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की मांग की गई है। सरदार परविंदर सिंह ने वीडियो जारी करते हुए भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निहंग सिखों की फौज को राम मंदिर के मुगलों से आजाद कराने के लिए अयोध्या भेजा था, जिन्होंने हिंदू समाज को मुगलों से मंदिर आजाद करा कर दिया था। परविंदर सिंह को मुताबिक पवित्र मंदिर में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा सन 1672 में दर्शन भी किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भी चरण पवित्र स्थल पर पड़े रहे हैं। गुरुद्वारा ब्रह्म कुंडों में गुरु गोविंद सिंह महाराज रखे गए शस्त्र घटना का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो वहीं उसके अतिरिक्त और साक्ष्य के तौर पर वर्ष 1558 में निहंग सिंह फकीर तथा उनके साथियों की ऊपर भी श्री राम जन्मभूमि परिसर हवन और पूजा करने पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल्ला मोमेन ने रविवार को कहा है कि भारत सरकार और भारतीय समाज को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बांग्लादेश के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते प्रभावित हो। बांग्लादेश के मीडिया में कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को शुरू करने से वहां के कट्टरपंथियों और शेख हसीना के विरोधियों को राजनीति रूप से मौका मिल जाएगा। बांग्लादेश के कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भले ही राम मंदिर का निर्माण भारत का अंतरिक्ष मामला है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों पर इसका भावनात्मक असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान से शेख हसीना की मुलाकात का भी बचाव किया और कहा है कि बातचीत में कुछ भी असामान्य नहीं था। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।